मुंह की आवाज तो आपने बंद कर दी, पर मेरे मन की आवाज वो कैसे बंद कर पाएंगी आप? बार बार मेरा दिल उन्हें पुकारेगा और बार बार वो मेरे दिल की आवाज सुनकर यहाँ आएंगे, और वो यहाँ तब तक आएंगे जब तक मैं उन्हें नहीं मिल जाती। गुरु माँ हमारी माँ जैसी है, उनसे ऐसे बात करेगी तू? जो पुलिस के सामने अपने परिवार वालों को तहखाने में छुपा दे और फिर उनसे झूठ बोले, वो मुजरिम कहलाते हैं। माँ ने मेरे अपनों की मुझसे मिलने की तड़प देखकर और उनकी हिम्मत देखकर मैं पूरी जिंदगी उन लोगों का इंतजार कर सकती हूँ। अगर मैं उन्हें तब मिलूं जब मेरी सांसें दो पल के लिए बची हो, तो मैं उन दो पलों में अपनी सारी जिंदगी जी लूंगी। मैं जानती हूँ दी यही है, यही वेट करूंगी मैं उनका, ही नहीं जाऊंगी। लेकिन सुरभि जब तक हम यहाँ रहेंगे वो सौम्या को बाहर नहीं आने देंगे। इतनी छानबीन कर सौम्या मिली नहीं, पता नहीं कहाँ छुपा रखा सौम्या को। अब तुम यहाँ की हो चुकी हो, उस दुनिया में जाओगी तो अपना अस्तित्व खो दोगी, और हर गुजरते पल के साथ तुम अपनी पहचान ढूंढोगी। उस दुनिया में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, और मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो। इसलिए तुम्हें बचा रही हूं और हमेशा बचाती रहूंगी। जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो भी इसकी पॉजिटिव साइड देख, अब तक हम सौम्या को पूरे भटिंडे में ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है सौम्या कहाँ है, तो हम उसे कभी भी ढूंढ लेंगे। देखो हमें यहां से जाना हो जी, छोटी कितनी कोशिशें कर रहे हैं आप दोनों मुझे ढूंढने की, मैं फिर भी नहीं मिल पा रही हूं आपको, पर आपके आने से आपके पास होने का जो एहसास होता है वो मेरी ताकत को और भी बढ़ा देता है, और तब इन सब की आंखों में जो डर दिखता है ना, वो मुझे मेरी जीत का एहसास दिलाता है। अब तो यहां से जाने की मेरी जिद और भी बढ़ गई है, और मुझे यकीन है मैं जल्द ही यहां से निकलने वाली हूं। सौम्या की सांस ना बहुत बुरी है, अगर मेरी सांस होती ना तो उसे जेल करवा देती। समझाया तो था तुझे, उसकी जो सांस है थोड़ी टेढ़ी सी है, कर देना तुझे जलील। वही तो, जरील भी कर दिया और सौम्या से भी नहीं मिल पाई। हरमन जीजू भी नहीं दिखे, लगता है वो दोनों घर पे ही नहीं थे।
नहीं तो सौम्या मुझसे जरूर मिलती। हो सकता है पुत्र कहीं बाहर ही गए होंगे। कल तेरी गोद भर आई है ना, तो तेरे लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लेने गए होंगे। और बात सुन, तो तू कौन सा उनको फोन करके गई थी जो तेरे लिए घर पे रुकते है? हाँ बीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गिफ्ट शिफ्ट ना लाए तो चलेगा, अगर कल सौम्या नहीं आई ना तो मैं उसकी खबर लूंगी। आज उसकी सास ने हंगामा किया, कल मैं कर दूंगी, देख लेना। इस बार प्रीतो जी ने बचा दिया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो वो चीख चीख के सबको बता देगी। हेलो प्रीतो जी, ईरानी पागल हो गए क्या? जरा धीरे बोल। अगर गुरु माँ ने ये नया फोन देख लिया ना तो खैर नहीं हम दोनों के। हेलो, सौम्या की बहन और आपका बेटा फिर से आए थे, पुलिस का छापा भी पड़ा था। एक पते की बात बोलूं, आपके बेटे की आंखों में ना जो तड़प मैंने देखी है सौम्या को पाने की, वो ना सौम्या को ढूंढ कर ही रहेगा। चार कदम आगे है आपसे। राम कहानी मत सुना। और ये बता, सौम्या का इंतजाम किया या नहीं? होगा होगा, अब मुफ्त में थोड़ी ना कोई काम होता है। कितने पैसे चाहिए? जितने में बात हुई थी ना, ये काम ना उससे भी कई ज्यादा का है, तो ज्यादा पैसे लगेंगे। एक बात कान खोलकर सुन ले, जितना भी महंगा पड़े काम हो जाना चाहिए। बस सौम्या को मैं अपने बेटे की जिंदगी से मिटा देना चाहती हूँ, हर हाल में, हर कीमत में। लो हरमन आ गए। हरमन पुत्र, माता रानी का प्रसाद बड़े वाले मठ से आया है, और चल जल्दी से खाना खा लेते हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कल से आई थी यहाँ। अपनी दोस्त सौम्या से मिल ले। हजार सवाल दे गई है, जाते जाते भी वो तेरी किन्नर बोटी। आज कलसी ने सवाल पूछे, कल को सवाल पूछने वाले और बढ़ जाएंगे। गोद भराई की कोई रसम वसम है? इतना करने आई थी इधर, और कल पूरा पिंड कटा होगा उधर, उसकी गवंड ने बचपन की सहेली है। और हजार सवाल इकट्ठे होंगे, आ जाएंगे इधर, जवाब कौन देगा? आज तो हमने कलसी को घर से बाहर निकाल दिया, बाकी लोगों को कैसे निकालेंगे? ये माता रानी का प्रसाद, ये नवरात्रि की पूजा की धूमधाम, तेरा माता रानी पे विश्वास, कभी कभी ना प्रीतो मुझे ये सब झूठा लगता है। नहीं तो माता रानी के सामने किया हुआ वादा तू भूलती नहीं। माता रानी को साक्षी मानकर तूने मुझे वचन दिया था कि नवरात्रि खत्म होने तक सौम्या और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, तो इस घर में फिर हंगामा किस बात का हो रहा है? तो थोड़ी ना नॉर्मल रहा कर, कलसी से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मेरे घर वालों को हो क्या गया है। अब सब कुछ तभी ठीक होगा जब जब सौम्या मिल जाएगी। मुझे भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं।
खाना लगा दो। सही तो सब कुछ जरूर होगा, पर सौम्य तुझे कभी नहीं मिलेगी हरमन, कभी नहीं। मलिका दीदी के कहने की वजह से ही तुझे गुरु माँ ने तहखाने से बाहर निकाला है। अब थैंक यू भी तो बोल दे। तुम सब लोग जाओ, मुझे आराम करना है। राना मेरे पास बैठो। मुझे विश्वास था कि तुम नहीं भागोगी। इतना भी विश्वास मत कीजिए मुझ पर, यहां से चली जाऊंगी। उस दिन बहुत अफसोस होगा आपको। बड़ी भोली है तू मेरा हरमन। जब पुलिस की पूरी फौज भी आ जाए, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। तहखाने से क्यों निकलवाया आपने मुझे? क्यों मुझे बार बार सजा मिलने से बचाती हैं? तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है। लोगों ने हमें किन्नर कहकर एक अलग ही जीव बना दिया है। तुम्हारे साथ बातें करती तो ऐसा लगता है इंसान हूं। तो मुझे कैद करके आपने इसलिए रखा है ताकि आप खुद को इंसान समझ सके? जाने दीजिए, मेरे किसी भी सवाल का आपके पास सीधा सीधा जवाब नहीं है। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूं। माता रानी, हरमन जी को मुझ तक पहुंचा दीजिए। अब जब तक हरमन जी मुझे ढूंढ नहीं लेते, मैं इस दिए को जलाकर रखूंगी और इसकी जलती लौ के साथ साथ मेरी भी यहां से बाहर जाने की आस भी जिंदा रहेगी। यहाँ क्या कर रही है तराना? आप मेरे हाथ पैर और मेरी जुबान बांध सकते हैं,
पर मेरी हिम्मत और मेरा विश्वास उसे नहीं बांध सकते। आप कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन एक दिन मैं यहां से जाकर रहूंगी। डांटना, मनाना, अब जो भी करता हूं इसी के साथ करता हूं। तुम्हारी ये निशानी मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है और तुमसे दूर होने का दर्द भी देती है। तब तक वो तकलीफ में रहेंगे जब तक वो मुझे ढूंढ नहीं लेते। देखा ना आपने कैसे आज भी मेरी छोटी और हरमन जी मुझे यहाँ तक ढूंढने आ गए, वो भी पुलिस के साथ। हाँ, अब तो मुझे भी यही लगता है, तेरे ये लोग इस दुनिया से काफी अलग हैं। हाँ है, छोटी तो है ही, मेरे हरमन जी भी हैं। तेरे हरमन जी? हाँ, जरा मुझे भी तो बता कैसे हैं तेरे हरमन जी। वो ना एक काम करते हैं, आप सौम्या बन जाइए, मैं हरमन जी बन जाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हरमन जी कैसे हैं। ठीक है, बता। अब जो भी है यही, चलो तो तुम सौम्या और मैं हरमन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सोने से पहले लाइट बंद कर देना और खबरदार जो मुझे जगाया तो। तुम खाना नहीं बनाओगी, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने खाना खाया? ओ तेरी यार, ये रोया शोया मत करो, मुझे ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुलाबो, अब मुस्कुरा भी दो, मुस्कुराती भी बहुत सुंदर लगती हो तुम। गुलाबो, आई लव यू यार। कहां चली गई हो तुम, हर बार इतने करीब आकर क्यों दूर हो जाती? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मैं क्या करूं करीना दीदी, मैं यहां से जाना चाहती हूँ करीना दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। मुझे तुम्हें इस दुनिया में वापस लाना है सौम्या। से बोलो माता रानी की जय। जय माता दी, जय माता दी। बोलो माँ दी शक्ति दुर्गा की जय। हो लो जी, अब माता रानी आपके घर में भी जग गई हैं। वीरन,
हाँ जी भाई। हरक जी, ये हरमन जी की शादी के बाद उनकी ये पहली नवरात्रि है। सप्तमी के दिन जो पूजा होगी वो परंपरा के अनुसार इस नए जोड़े के हाथों होगी। वैसे भाभी जी दिख नहीं रही हरमन भाई, कहाँ है वो? वो सौम्य की ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उससे आराम करने के लिए कहा। कोई बात नहीं हरमन भाई, उन्हें आराम करने दीजिए। सप्तमी के दिन माता रानी के दर्शन होंगे और उनकी तबीयत तो पूरी चंगी हो जानी है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रीत, मेरा दिल पता क्या कर रहा है, अपनी बंदूक निकालूं तो गोली मार दूं सबको। पता नहीं की पंबल पुसियां च पा गई है, आप तो चली गई है, लख सवाल छड़ गई है, जवाब नहीं थो तैयार सी। अरे कलसी गुरदासपुर की कौन सी राजकुमारी है, नहीं जाएंगी गोद भराई में? हाँ कह देंगे। पुत्र अगर मना करेंगे ना तो लोग 10 बातें बनाएंगे, और अगर चले गए और वहां सौम्या नहीं आई तो भी वही लोग सवाल करेंगे। हर तरफ से तमाशा तो हमारा ही बनना है, समझ नहीं आता क्या करें। जब तक सुरभि की शादी नहीं हो जाती ऐसे समाज के बारे में सोच सोच कर खून जलाना पड़ेगा। रास्ता भी नहीं हमारे पास। ये सही कह रहे हैं, पर तू फिक्र ना कर, हमें बचाने के लिए माता रानी है ना पुत्र, सब संभाल लेगी। तेरी भक्ति खा लेनी जाएगी पुत्र, वो सब संभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। बिना कॉल पे कॉल करी जा रही है। हाँ सुरभि। जीजू कलसी मुझे सुबह से 5-6 बार कॉल कर चुकी है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि सुमुदी आ रही है या नहीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास कॉल आए ना तो प्लीज कॉल मत उठाइएगा। लेकिन सुरभि अगर तुम फोन नहीं उठा रही हो, मैं भी फोन नहीं उठाऊंगा तो कलसी को शक नहीं हो जाएगा? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बाद में मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। आप बस अभी कॉल मत उठाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉल उठा लिया ना तो वो जिद करके बुला ही लेगी, बहुत जिद्दी है वो। पक्का मैं कलसी से बात नहीं करूँ? हाँ फोन मत उठाइएगा प्लीज। ठीक है। ओके। माता रानी की जय। बहुचारा माता की जय।
दफ्तर आना, सबको आरती दो और मैं सबको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों के लिए मैं चेन्नई जा रही हूं और मेरे वापस आने तक मेरी जगह मल्लिका लेगी। भेजने के लिए प्लानिंग करनी हो, गुरु माँ के रहते हुए ये प्लानिंग नहीं हो सकती थी। अब तो ना किसी का डर है और ना कोई रुकावट है। प्रीतो जी के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करूंगी कि टाटा बाय बाय करेंगे हम दोनों। चलिए मामा जी, लेट हो रहा है, आइए छिट्टी कीजिए। चलिए हरमन, मैं फैक्ट्री जा रहे हैं, एक जरूरी काम आ गया, तू भी चल। अरक सिंह, तुम्हारे काम से जरूरी काम मुझे है, मैं कोई फैक्ट्री नहीं आ रहा। अब मैं बोलूंगी तो बोलूंगी, बोलती है हरमन मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, सब समझ में आता है, क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है आजकल तेरी लाइफ में, समझा? तू तो रहने ही दे, तेरे पास और काम क्या है दूसरों के मामले में नाक घुसाने के अलावा, तू तो रहने ही दे। सत श्री अकाल दारजी। अब वकील साहब, इतनी सुबह सवेरे कोई खास काम? मैं बताने आया हूँ कि चार दिन बाद केस की आखिरी सुनवाई है। हाँ है। और डिफेंस के पास कोई तर्क ही नहीं है, तो आपके नातिक की कस्टडी आपको ही मिलेगी। जी। आप सब लोग बस समय पर कोर्ट आ जाइएगा। ले कमाल है, सुनिया इसे कहते खुशखबरी, समय पे क्या, समय से पहले पहुंच जाएंगे, आप टेंशन ना लेना। ओ, हक में हमारे फैसला हो रहा है तो फिर और हमें चाहिए क्या? तो कुछ चाय नाश्ता वगैरह हो जाए, कुछ एलिफेंटर कुछ कर यार। अरे नहीं दारजी, एक लाइन से मिलना है, जल्दी में हो, हम चार दिन बाद मिलते हैं कोर्ट में। ले बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओए ओए एलिफेंटर, ओ गाल तो सुन। मम्मा क्या हुआ, आप खुश नहीं हो ये खबर सुन के? हाँ मैं हूँ खुश, बस मैंने कर पूजा की चिंता हो रही है। लोग पूछेंगे कि बहू क्यों नहीं है, की जवाब देंगे? माता रानी का त्योहार है, चंगा हुआ आप लोग आ गए। सौम्या नहीं आई? सोमू पुत्र तो ससुराल में रहती है ना, तो वो हमारे साथ क्यों आएगी, वो अपने पति के साथ आ जाएगी। आहो जी, ओ जी आप लोग तो बैठो, आहो। अच्छा पुत्र, नमस्ते। तो अब आपको हमारी जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ गई है, राइट? तो भाई मैं चला, भाई हमें भी हक है कि नहीं हमारी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का? तो तुसी जाओ ना, मैंने कौन सा पकड़ के रखा है। तुझे पता आज बहुत सोनी लग रही थी, किसी की नजर ना लगे। ये सब छोड़, सोम्या कहाँ है? वो आती होंगी ना चीजों के साथ,
कितना टाइम लगा रही है, उसे फोन तो लगा, पूछ उसे कहाँ रह गई वो। फोन क्या, कल सी आज तेरा दिन है तो क्या सुमुदी सुमुदी लगा रखी है। आ जाएंगी वो, तू अपने पे ध्यान दे। अरे पूछ ना कहाँ है सौम्या, हम भी तो कब से नहीं मिले। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। ले फोन ही नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं अब। वैसे तो सोचने वाली बात है, जब से सौम्या की शादी हुई है उसका कुछ अता पता ही नहीं, ऐसा कोई करता है क्या। और वो पगफेरे के बाद घर भी तो नहीं आई ना। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की गोद भराई है, आज तो उसको आना चाहिए। इतने बड़े घर में शादी हुई है, हमारा तो स्टेटस उसके साथ मैच भी नहीं करता, शायद इसलिए हमसे नहीं मिलती। अरे चुप करो तुम लोग, क्या बकवास करती हो कुछ भी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो आती होगी है ना सुरभि। हाँ आती होंगी। तो बचपन की फ्रेंड है उसकी, बहनों जैसे रहे हो तुम दोनों। अरे उसे तो कल ही आ जाना चाहिए था और आज सुबह से यहाँ होना चाहिए था। क्यों बहन जी, सौम्या आपसे मिलने आती भी है कि आप भी नहीं जाते उससे मिलने। अजीब लड़की है, वैसे शादी के पहले भी अजीब ही थी, ना किसी से मिलना ना बोलना, अभी भी ऐसी है क्या। लो जी आपने तो वकालत ही शुरू कर दी। ओ जी कल कल सी गई थी सौम्या के ससुराल, वो नहीं थी वहाँ, कहीं बाहर गई थी अपने पति के साथ, इसलिए नहीं आई होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो ससुराल में हो ही ना। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, और ससुराल वाले भी उसे नापसंद करते हो। आप लोग छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। मेरी बेटी जहाँ भी है ठीक है, और वैसे भी आज कलसी का दिन है ना, तो आप लोग मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। लो जी कर लो बात, हम क्यों उसके पीछे पड़ने लगे। मैं तो ये कह रही थी अगर वो ससुराल में है तो आई क्यों नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है,